सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट आज आ गया। हो सकता है कि 2-4 दिन में क्लास 10th का रिजल्ट आ जाए, लेकिन मैटर ये नहीं करता। मैटर करता है कि क्या आप अपने रिजल्ट से खुश हो। अगर आप अपने रिजल्ट से हैप्पी हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि आपने जितना सोचा था उतने मार्क्स आए हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हो तो क्यों खुश नहीं हो? हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आए हो, आप और ज़्यादा सोच रहे थे उस अकॉर्डिंग नहीं आए हो। तो देखो, थोड़ी बहुत तो अफसोस होगा, थोड़ा बहुत तो बुरा लगता ही है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी। जो चीज़ हो चुका उसके बारे में आप कब तक सोचते रहोगे? ये चीज़ें अपने हाथ में तो है नहीं। आप ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा सैड रहोगे, तो क्या उससे ये चीज़ चेंज हो जाएगी? नहीं ना। अगर किसी भी रीज़न से आपके मार्क्स थोड़े कम आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। अरे यार, ये बस एक एग्ज़ाम था, इसका आपके लाइफ में ज़्यादा रोल नहीं है। इसका बस आपका रोल आपकी लाइफ में क्या है मैं बता देता हूँ। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें जो मिनिमम मांगता है 45%, बस उसमें आपको इसका रोल है। उससे ज़्यादा इसका रोल कहीं भी नहीं है। क्या आपके मार्क्स 45% से कम है या फिर उससे ज़्यादा है? उससे ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मार्क्स का रोल बस इतना ही सा है कि आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सको। और रही बात अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ज़रूरी ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। जैसे कि मैंने अभी बोला, आपके मार्क्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सबसे ज़्यादा रियल जो वैल्यू है आपके टैलेंट की है। आपको कितनी चीज़ें आती हैं, आप क्या क्या जानते हो, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे आपने 10th का रिजल्ट आया हो, चाहे आपके 12th का रिजल्ट हो, चाहे कोई भी एग्जाम का रिजल्ट हो। रिजल्ट से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता। फ्यूचर डिसाइड हो सकता है आपकी मेहनत से। आप कितना मेहनत करते हो किसी चीज़ के लिए, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, वो चीज़ आपको मिलेगी। कोई एक रिजल्ट आपका थोड़ा ख़राब आ जाता है तो उससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाता मेरे भाई। तो देखो, अब आपको क्या करना है? 12th का आपका रिजल्ट आ गया, अब आप सोचो कि आपको आगे क्या करना है। क्या आपको ग्रेजुएशन करना है, या फिर आप किस फील्ड में ग्रेजुएशन करना चाहोगे? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, या फिर बीटेक, या फिर जो भी आप करना चाहो, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि अब आपको क्या करना है। अब आगे की सोचो, जो हो गया उसे छोड़ो। कब तक आप एक ही बात को लेकर बैठे रहोगे? वो भी इससे कुछ चेंज तो होगा नहीं, तो कब तक खुद को परेशान करते रहोगे? जो होना था वो हो गया। जैसे कि मैंने बोला, फिर से बोल रहा हूँ कि एक आपका रिजल्ट अगर थोड़ा ख़राब आ जाए तो उससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता। इस बात को आप समझो, आप सोचो, आप खुद से कहो कि कोई बात नहीं, इस बार मेरा थोड़ा ख़राब आ गया, लेकिन अगली बार मैं देखो कितने अच्छे से मेहनत करके और ज़्यादा अच्छा करूँगा, खुद को प्रूफ करूँगा। जो लोग अभी बोल रहे हैं उनको भी दिखाऊँगा कि हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपके रिजल्ट थोड़े बहुत 19-20 आए हों, तो आपकी फैमिली थोड़ी बहुत नाखुश हो, लेकिन देखो ये नॉर्मल सी बात है। सबको थोड़ा बहुत लगता है, आपको ही तो बुरा लग रहा है ना, तो आपकी फैमिली को भी तो बुरा लग रहा होगा ना। और वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती है, वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्प्रोरी होता है। 1-2 दिन में सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन जो चीज़ आपको अच्छे से करनी है, वो आपका जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में करना है, उसको बेटर करना, उसके बारे में सोचो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से करूँगा तो सही रहेगा, क्या चीज़ मेरे लिए बेटर है, किसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ सोचो, फिर डिसाइड करो कि आगे आपको क्या करना है। लाइफ बहुत बड़ी है, इसमें आपको करने को बहुत कुछ है। अगर किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ पूरी सेट हो जाती, उसको आगे भी लगातार मेहनत करते रहना होगा। और अगर किसी का रिजल्ट थोड़ा बुरा आता है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि उसकी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, फिर फ्लॉप हो गया, फेल्योर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप आगे मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरीके से मेहनत करते हो। कोई चीज़ करने के लिए आप कितना मेहनत करते हो, कितना डेडिकेशन करते हो, सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें टेम्प्रोरी होती है कि मार्क्स आना, रिजल्ट आना, फेल हो जाना, पास हो जाना, ये चीज़ें टेम्प्रोरी होती है। परमानेंट होता है आपका टैलेंट, आपका डेडिकेशन, आपका गोल, ये सारी चीज़ परमानेंट होती है। तो जो चीज़ें टेम्प्रोरी है उस पर फोकस करना छोड़ो, जो चीज़ परमानेंट है उस पर अपना फोकस लगाओ, उसको करने की सोचो, उस पर थोड़ा सोचो कि वो चीज़ कैसे कर सकते, ये चीज़। तो अब ज़्यादा मत सोचो, आपका अगर रिजल्ट आए तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ऐसे ही आगे और मेहनत करो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत 19-20 आ गया है तो छोड़ो यार, होता रहता है, इतनी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये चीज़ आपका पूरा जीवन डिसाइड नहीं कर सकता, पूरी लाइफ आपकी डिसाइड नहीं कर सकती। इसे पीछे छोड़ो, आगे देखो, आगे आपको क्या करना है। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि आपको आगे क्या करना है। और एक चीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ
कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, चाहे आप टेंथ में हो चाहे ट्वेल्थ में हो। टेंथ का भी रिजल्ट एक आध दो दिन में आ ही जाएगा, तो आप अपने जो मार्क्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोज है, जाके एक बार देखो। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।